मैं डॉक्टर्स की टीम का हृदय के गहराइयों से धन्यवाद करूंगा कि आप लोग रोज दोनों समय यहां आते हैं और मैडम का हेल्थ चेकअप करते हैं। साथ ही साथ मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि आज जो परीक्षण किया है उसमें जो भी रिजल्ट आया है एक बार सबके सामने वो बता देंगे। नमस्कार साथियों, जो हम जो मेडिकल पैरामीटर जो रोज चेक कर रहे हैं, आज जो मेडिकल पैरामीटर पहले से काफी खराब आए हैं। जैसे मैम का जो वेट है, जब मैडम अनशन पे बैठी थी 65.8 था, जो आज है 63.6, मतलब 2 किलो 200 ग्राम वेट कम हुआ है 4 दिन के अंदर। और अभी तो ये 4th डे अनशन है, और जो आरबीएस है वो भी लगातार कम हो रहा है। और जो बीपी है, जब मैडम अनशन पे बैठी थी 132.88 था, आज जो है 110/70 है, यानी कि बीपी भी काफी लो हो गया है। तो ऐसे में मैडम को हॉस्पिटल में एडमिशन होने की जरूरत है, लेकिन मैडम डिसाइड करेंगी कि मैडम अनशन पे रहेंगी या फिर हॉस्पिटल में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी जो डॉक्टर की टीम है उनका। और मैम का जो कीटोन है वो भी लगातार बढ़ रहा है, कल भी प्लस था और आज भी प्लस है, और जिसकी वैल्यू 1.5 है। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब, आप दोनों लोगों का बहुत धन्यवाद। और जैसे कि कल भी डॉक्टर साहब ने रिक्वेस्ट किया था कि आप अनशन को छोड़ दीजिए, आपको मेडिकल की जरूरत है आपको, लेकिन आतिशी जी ने कल भी कहा था मंच से कि जब तक दिल्ली के लोगों के उनके हक का पानी नहीं मिल जाता तब तक ये अनशन जारी रहेगा। एक बार जोरदार तालियां दिल्ली की जल मंत्री के लिए, उनके हौसले को लिए, उनके जज्बे के लिए। और हम सब आपके हौसले और जज्बे को सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं कि आपने दिल्ली के लोगों के हक के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी है। साथियों, हमारे बीच में आज इस अनिश्चितकालीन अनशन को समर्थन और अपना प्यार आशीर्वाद देने के लिए दिल्ली के लोकप्रिय विधायक और आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई गुलाब सिंह यादव जी यहां मौजूद हैं। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजेगी। हमारे बीच में SC ST विंग के प्रदेश अध्यक्ष और बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई विशेष रवि जी हैं, उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। हमारे बीच में जंगपुरा के स्थानीय विधायक और लगातार 4 दिन से इस पूरे कार्यक्रम को देखते हुए कंधे से कंधा मिलाए हुए यहां 24 घंटे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं भाई प्रवीण देशमुख जी, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। हमारे बीच में बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई प्रकाश जारवाल जी हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं, उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। हमारे बीच में बहुत ही क्रांतिकारी और लोकप्रिय विधायक भाई अजय दत्त जी हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है, उनके लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। हमारे बीच में बहुत ही लोकप्रिय विधायक संघर्षों के साथी भाई नरेश यादव जी हैं, उनका भी स्वागत है, भाई नरेश यादव जी के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे बीच में साउथ दिल्ली लोकसभा की मजबूत आवाज और बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई सही राम पहलवान जी हैं, उनके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। हमारे बीच में बदरपुर से विधायक रहे हमारे बहुत ही मजबूत साथी भाई राम सिंह नेता जी हैं, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। साथ ही साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट के 2 इंचार्ज भाई धर्मवीर रवाना जी और संजय पटेला जी भी मौजूद हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। हमारे साथ आज बहुत सारे दिल्ली के पार्षद साथी हैं जो आतिशी जी को अपना समर्थन और प्यार देने के लिए आए हैं, उन सबका स्वागत और अभिनंदन है। मंजू राजू निर्मल जी, हेमा श्रीचंद बोरा जी, महेंद्र चौधरी जी, राकेश लोहिया जी, उमेश फोगाट जी, अरुण नावरिया जी, पिंकी नरेश त्यागी जी, ममता पवन प्रताप जी, काजल जितेंद्र जी, और दिल्ली के कोने कोने से आए हुए अपनी लड़ाई को संघर्ष दिल्ली के कोने कोने से आए हुए
आतिशीजी की इस लड़ाई में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए आप सभी साथी जो आए हैं आपका भी बहुत ही हृदय के गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है और धन्यवाद है। साथ ही हमारे बीच में दिल्ली की पूर्व विधायक और दिल्ली प्रदेश आरडब्ल्यूए की अध्यक्ष बहन अंजलि राय जी हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। साथियों, सबसे पहले तो हम हृदय की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करते हैं, आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की क्रूर सरकार दिल्ली के लोगों के प्यास पर डाका डालकर बैठी है और इसी वजह से आप सारे लोग अपना प्यार और समर्थन आतिशी जी को यहां देने आए हैं। 4 तारीख को दिल्ली का रिजल्ट आता है, 4 तारीख को दिल्ली के 7 के सांसद जीत कर जाते हैं और 5 तारीख से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के पानी को बंद कर देती है। इससे ज्यादा शर्मनाक मुझे लगता है कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने मीडिया के साथियों से अनुरोध करूंगा कि जो साथी कैमरे पर हैं वो कैमरा एक बार सेट करके आप लोग प्लीज बैठ जाइए, पीछे के लोग थोड़ा सा मंच को देखना चाहते हैं। साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा, बहुत ही लोकप्रिय विधायक और दिल्ली के वाइस प्रेसिडेंट भाई गुलाब सिंह यादव जी से कि हम सबके बीच में अपनी बात रखें, जोरदार तालियों से स्वागत करिए भाई गुलाब सिंह यादव जी का। सबसे पहले एक जोरदार जयकारा मां भारती के नाम, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब इंकलाब, आतिशी से संघर्ष करो, आतिशी से संघर्ष करो, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। मंच पर उपस्थित 4 दिन से भूखी प्यासी हमारी बड़ी बहन आतिशी जी, मेरे तमाम विधायक साथी, काउंसलर साथी, संगठन के सभी साथी और मंच के सामने विराजमान कार्यकर्ता साथियों, दिल्ली के कोने कोने से आए हुए भाई और बहनों, आप सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। हर धर्म और मजहब का हर आदमी यह मानता है कि पानी पिलाने से ज्यादा पुण्य का काम कोई है नहीं। अभी आपने देखा निर्जला ग्यास थी 2-3 दिन पहले, पूरे देश के कोने कोने में लोगों को पानी पिलाने का काम किया, पशु पक्षियों को पानी पिलाने का काम किया। लेकिन हमारे बगल में एक राज्य है हरियाणा, जहां पे भाजपा की सरकार है और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये पिछले 10 वर्ष में जब से हमारी सरकार है ये कोई पहला उदाहरण नहीं है कि हरियाणा ने इस तरह की बदमाशी की है। हरियाणा की राज्य सरकार इतना नीचे गिर गई है कि वो लोगों का पानी काट दिया, उन्होंने लोगों को प्यासा मार रखा है, दिल्ली के लोगों से दुश्मनी साध रहे हैं। मेरे ख्याल से 1/3 दिल्ली में तो हरियाणा के लोग ही रहते हैं, उन्हीं के भाई बंद रहते हैं, वो भी देख रहे हैं कि वो लोग कर क्या रहे हैं। इसलिए और ये भी पहली बार देख रहा हूं कि किसी राज्य की जल मंत्री, आज तक मैंने तो सुना नहीं कि अपने राज्य के जल संकट के लिए आज अपनी जान पर खेल रही है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आतिशी जी के लिए। मैंने नहीं सुना आज तक किसी राज्य का जल मंत्री अपने राज्य के लोगों के लिए इस तरह की लड़ाई लड़ रहा है, भूखा प्यासा मर रहा है। बहुत बड़ी आप लड़ाई लड़ रही है, पूरी दिल्ली आपके साथ खड़ी है, तमाम संगठन आपके साथ खड़ा है, तमाम विधायक और सारे काउंसलर साथी आपके साथ खड़े हैं। आप इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं तमाम वो लोग, चाहे कोई भी विधानसभा हो, ऐसी कोई विधानसभा बाकी नहीं दिल्ली की जहां पे पानी का संकट ना हो, जिन जिन लोगों को पानी की दिक्कत है उन तमाम लोगों का आशीर्वाद आपके सर के ऊपर है, भगवान आपके साथ खड़ा है, लोगों का आशीर्वाद आपके साथ खड़ा। आप इस लड़ाई को जारी रखिए, हम सब आपके साथ खड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई गुलाब भाई। मैं मंच पर बैठे सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा थोड़ा आप सब लोग पीछे हो जाइए, थोड़ा थोड़ा प्लीज। गुलाब भाई ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि पूरी दुनिया के अंदर जो भी मजहब है, सारे मजहब में एक बात सिखाई जाती है कि पानी पिलाने का काम सबसे पुण्य का काम है। पर आप देखिए कि किस तरीके से डबल इंजन की सरकार दिल्ली के लोगों के पानी को रोक रखा है। और एक बात और बड़ी अच्छी कही गुलाब भाई ने
कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर शायद यह पहली बार हो रहा है कि अपनी सरकार में एक जल मंत्री को अपनी जान की बाजी इसलिए लगानी पड़ रही है ताकि उसके प्रदेश के लोगों को पानी मिल सके। एक बार जोरदार तालियां बहन आतिशी जी के लिए। और अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई नरेश यादव जी हैं, वो हम सबके बीच में अपनी बात रखेंगे। आप वहीं खड़े हो जाइए, वहीं माइक दे रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए भाई नरेश यादव जी का। भारत माता की। माननीय जल मंत्री आतिशी जी, जो यहां आज दिल्ली के लिए जल संकट जो है उसके लिए चौथे दिन आमरण अनशन पर बैठी हैं, मैं मेहरौली विधानसभा के सभी साथियों की तरफ से, पूरी मेहरौली की जनता की तरफ से आपको समर्थन करता हूं। और जिस तरह से आप दिल्ली के लोगों के लिए पानी की ये लड़ाई लड़ रही हैं, पूरी दिल्ली आपके साथ है। और ऐसा जैसा कि अभी आदिल भाई ने बताया, गुलाब भाई ने भी बताया कि शायद ही कोई जल मंत्री पूरे भारतवर्ष में किसी भी राज्य की कि अपने राज्य के पानी के संकट के लिए इस तरह से आमरण अनशन पर बैठे हों। तो ये जज्बा, ये जो आपकी हिम्मत, इसको मैं सलाम करता हूं और पूरी दिल्ली आपको सलाम करती है। और परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो आपको शक्ति दे, आप स्वस्थ रहें। और बहुत ही जल्दी मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, इनको झुकना पड़ेगा आपके सामने और दिल्ली को पानी मिलेगा।